Okay, so today we are going to start linear equation in one variable. Okay, linear equation in one variable. Equation सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि equation किसे कहते हैं, equation होता क्या है. A statement of equality. A statement of equality. Equality means वैसा statement जिसमें equal का sign है. ठीक है, जिसमें क्या है, equal का sign है. Which involves one or more unknown quantities. One or more unknown quantities. Unknown quantities क्या होता है, variables. ठीक है, कि एक variables हो या एक से ज्यादा variables, जिसको हम क्या बोलते हैं, variables बोलते हैं, is called an equation. उसको हम लोग क्या करते हैं, equation करते हैं. जैसे for example यहाँ पे देखो 3x + 5 = 8. इसमें equal का sign आया, ठीक है, इसमें एक unknown term भी आया, तो एक unknown term आया और एक equal का means equality का भी sign आया है. यह statement है equality का, जिसमें एक क्या है, अननोन टर्म है, मींस एक वेरिएबल है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन. ठीक है, फिर यहाँ देखो 3x² = 7x + 9y² ये भी क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी यह इक्वालिटी का स्टेटमेंट है. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, और इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल, तो एक से और वाई है. यहाँ पे आते हैं तो 9y + 7z - 3 = 19 है, इसमें भी दो वेरिएबल्स है ना, और इसमें भी इक्वल का साइन है, यानी ये सब क्या है, इक्वेशन है. तो इक्वेशन वो स्टेटमेंट होता है जिसमें इक्वल इक्वालिटी होना चाहिए, मींस स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन विच वन और मोर देन वन वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन. ठीक है, फिर इसके बाद है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो इक्वेशन में यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पे 8 भी पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मींस इसका डिग्री, इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं है कि डिग्री कितना होना चाहिए, उसका डिग्री कुछ भी हो सकता है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन का, किसका, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन जब भी होगा तो उसका डिग्री ऑलवेज वन होगा. क्या होगा, वन. एक भी वेरिएबल हो सकता है लीनियर इक्वेशन में, और एक से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं. जैसे एन इक्वेशन हुज डिग्री इज वन इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन. इसमें यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एक ही अननोन टर्म होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसमें एक भी वेरिएबल्स हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिग्री होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वन. डिग्री क्या होता है, पहले वाले वीडियोस में हम लोग देखे हुए हैं, जो जब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े थे. ठीक है, तो अब तो यहां से हो गया 3x + 5 = 2x, 7x + az = 9. तो इसमें दो टो वेरिएबल आ गए, ठीक है, एक्स और जेड, फिर ए भी है, ay + 7z + 11 के, इसमें तीन तीन वेरिएबल्स, चार वेरिएबल्स दिख रहे हैं. तो वेरिएबल्स से हमको मतलब नहीं है, पावर क्या होना चाहिए, डिग्री जो होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इक्वेशन का कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए. इन सभी इक्वेशंस का डिग्री कितना है, वन, इसलिए क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन. फिर आता है अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो देखो इक्वेशन क्या होता है, जान गए हम लोग, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं ये भी जान गए. तो ए लीनियर इक्वेशन हैविंग Only one variable. वैसा linear equation, जिसमें केवल एक variable हो, क्या हो, क्या हो, एक variable हो, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, linear equation. ठीक है, linear equation in one variable is called a linear equation in one variable. देखो 3x + 5 = 8, इसमें एक variable, 9y + 6 = 12, इसमें भी एक variable है, 13x + 4 = 19x - 3. अब यहाँ पर कोई सोचे कि दो तो वेरिएबल नहीं, सेम वेरिएबल है, x और x. हाँ, यहाँ पर अगर x स्क्वायर होता तब तो ये लीनियर भी नहीं होता और सेम भी नहीं होता. ठीक है, लेकिन दोनों जगह x x है और ये दोनों सेम वेरिएबल है, इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हाँ, यहाँ पर अगर 13x की जगह ऐसे होता 13z + 4 = 19x - 3, तो फिर यह दो वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो देखते हैं फॉर्मिंग ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो कैसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखेंगे. ठीक है, ए लीनियर इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय राइटिंग द वर्ड्स स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूजिंग द फोर बेसिक ऑपरेटर्स, यूजिंग द फोर बेसिक ऑपरेटर्स एंड द साइन ऑफ इक्वालिटी. वी टेक द नोन क्वांटिटी एज अ वेरिएबल एक्स वाई जेड एक्सेट्रा. देखो हम लोग इसमें करते क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू.
तो फर्स्ट एग्जांपल है ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स, ठीक है, दो गुना, टू टाइम्स, टू इंटू, ट्वाइस मीन्स टू इंटू लिखेंगे, ए नंबर, अब यह नंबर हमको पता नहीं है, अननोन है, तो अननोन है तो इसमें से हम लोग क्या करें, कोई वेरिएबल ले लेंगे, जैसे मान लो एक्स ले लिए, तो टू टाइम्स ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू फोर, व्हेन एडेड टू फोर, इसको ऐड किया था किसने, फोर मींस इसमें फोर ऐड कर दिया जाए, अगर प्लस फोर कर दिया जाए तो यह क्या देता है, गिव्स, गिव्स का मतलब हम लोग को इक्वल साइन का यूज करना है, इक्वल टू साइन का यूज करना है, गिव्स 14, लिख देंगे 14, तो यह हम लोग क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया इन वन वेरिएबल, तो स्टेटमेंट से इक्वेशन ऐसे हम लोग को लिखना है, ट्वाइस मिलेगा तो टू इंटू हो गया, थ्राइस होता तो थ्री इंटू रहता, फोर टाइम्स मिलता, फाइव टाइम्स मिलता तो फाइव इंटू फोर इंटू लिख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइव टाइम्स एक्स, तो फाइव टाइम्स एक्स का मतलब क्या था, फाइव इंटू एक्स, इज, यानी इज का ही मतलब क्या है, इक्वल टू लिखना है, इज का ही मतलब क्या लिखना है, इक्वल टू, इज 17/8, तो 17/8 लिख देंगे तो हम लोग का एक लीनियर इक्वेशन हो गया इन वन वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट थ्री नंबर देखते हैं, थ्री फिफ्थ, अब थ्री फिफ्थ का मतलब क्या होता है, थ्री फिफ्थ का मतलब है थ्री बाई फाइव, थ्री फिफ्थ मीन्स थ्री बाई फाइव ऑफ ए नंबर, फिर इस नंबर के बारे में हमको पता नहीं है, इस नंबर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक नंबर लिख लेंगे, जैसे मान लो पी ही लिख दिया, थ्री बाई फाइव इंटू पी, थ्री फिफ्थ ऑफ ए नंबर, तो थ्री बाई फाइव इंटू पी हो गया, इज ग्रेटर देन सेवन बाई नाइन, अब बात यहाँ पे समझना होगा, इज, इज का मतलब तो इक्वल टू होता है, हम लोग इक्वल टू लिखते, ठीक है, ग्रेटर देन सेवन बाई नाइन, ग्रेटर देन सेवन बाई नाइन, तो यहाँ पे यह इक्वल हो गया नाइन के, बोले तो यह इक्वल हो गया, लेकिन कह रहा है कि यह बड़ा है, थ्री बाई फाइव इंटू पी, यह बड़ा है किससे, नाइन से बड़ा है, कितना बड़ा है, सेवन, कितना ज्यादा है, सेवन है, तो इसमें सेवन माइनस कर दो, जब सेवन माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक यह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यह पहले बड़ा था, जैसे मान लो यह 16 है और यह 9 है, तो कितना इससे बड़ा है, सेवन बड़ा है, सेवन में से इस 16 में सेवन अगर माइनस कर देंगे तो 9 के बराबर आ जाएगा, तो यही लिखना है थ्री बाई फाइव इंटू पी माइनस सेवन इक्वल टू नाइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फोर नंबर, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव, देखो सम का मतलब क्या है कि ऐड करना है, कंसेक्यूटिव मींस होता है लगातार नंबर, कोई भी लगातार, जैसे मान लो हम लिखते हैं टू थ्री फोर, इन सब में कितने का डिफरेंस है, टू है तो कितना है, टू प्लस वन है, या कितना है, थ्री प्लस वन है, या टू प्लस टू है, यही ना, टू, टू प्लस वन, थ्री, टू प्लस टू, फोर, और इस टू के जगह पे हम लोग एक्स लिख दें, एक्स तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन, या कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू, यानी यह अभी कितना लिखा हुआ है, तो यह कंसेक्यूटिव नंबर में एक एक बढ़ते जाता है, तो एक्स, एक्स प्लस वन एक ज्यादा हो गया, फिर एक्स प्लस टू हो गया, तो इस एक्स प्लस वन से अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो चलो, तो वैसे ही हम लोग क्या करना है, थ्री अननोन टर्म्स लेना है, क्या लेना है, थ्री अननोन टर्म्स, तो एक एक्स हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, तीसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू, ठीक है, तो तीन अननोन टर्म हो गया, इक्वल्स टू, यह इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा 35 के, तो 35 लिख दिया, क्योंकि सम दिया हुआ है ना, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, तो तीनों नंबर का सम हम लिख दिया 35 के इक्वल, ऐसे करके हम लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, राजू हैज फाइव शर्ट्स, ये थोड़ा ध्यान समझते हैं, राजू हैज फाइव शर्ट्स लेस देन, लेस मतलब कम, जब भी लेस आएगा तो किसका यूज करना है, माइनस का, ठीक है, लेस मीन्स हो गया माइनस, देन टू टाइम्स, टू टाइम्स मीन्स टू इंटू, ठीक है, ऑफ द शर्ट्स मोहित हैज, मतलब कहने का यह है कि राजू के पास पांच शर्ट कम है, फाइव शर्ट कम है, देन टू टाइम्स ऑफ द शर्ट्स मोहित हैज, माने मोहित के पास जितना शर्ट है, तो मोहित का शर्ट देखो, यहाँ पर राजू का शर्ट दे दिया कितना है, 18 है, तो हम लोग मोहित का शर्ट कितना मान लेते हैं, किसके पास, एक्स शर्ट्स है, नंबर ऑफ शर्ट कितना है मोहित के पास, एक्स, तो टू टाइम्स ऑफ मोहित शर्ट, तो टू टाइम्स यानी टू एक्स, टू इंटू एक्स, टू एक्स हो गया, इसके बाद बोल रहा है टू टाइम्स, राजू हैज फाइव लेस शर्ट, तो माइनस फाइव कर दो, इक्वल्स टू, तो मोहित के पास टू एक्स शर्ट है, ठीक है, और उसमें से पांच माइनस कर देंगे तो राजू के शर्ट का नंबर निकल जाएगा, राजू के पास कितना शर्ट है, तो राजू के पास कितना शर्ट दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 18 लिख देंगे, तो इसका भी हो जाएगा हम लोग का, इसका हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं।
नेक्स्ट देखो सिक्स नंबर, सिक्स टाइम्स ए नंबर ए, कोई एक नंबर यहाँ पर ए दे दिया है ठीक है, जिसका छ गुना सिक्स टाइम, तो सिक्स इंटू ए इक्वल टू कितना लिखेंगे 24, ईज है तो इक्वल 24, तो 24 तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन, वेरी इजी। अब देखो द कोशेंट ऑफ एम एंड फोर, द कोशेंट ऑफ एम एंड फोर गिव्स थ्री, तो देखो m को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यही कहने का मतलब है m डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m बाय 4 इक्वल्स टू 3। तो यह था कि हम लोग कैसे किसी भी स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, करना है इसका लीनियर इक्वेशन में इसको लिखना है। तो द सम ऑफ हाफ ए नंबर, तो एक नंबर का हाफ, हाफ मींस क्या होता है 1/2, और कोई भी एक नंबर तो जैसे जेड मान लिए, सम क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है इसको सम करना है, तो प्लस का साइन देंगे एंड 5/2, तो यहाँ 5/2 लिखेंगे, इज तो इक्वल टू और इसके बराबर है 30, तो इसके बराबर हो गया यानी जेड बाई टू प्लस 5/2, जेड बाई टू प्लस 5/2 इक्वल टू 30। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी, क्योंकि इसको अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है।